हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और जैसा कि आपने अभी थंबनेल पे देख ही लिया है कि संदीप महेश्वरी जी जिनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे और वो इंडिया के अंदर टॉप 10 के अंदर आते हैं सब्सक्राइबर्स की कैटेगरी में, राइट। सो दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी ये अपना चैनल क्यों छोड़ रहे हैं। सो इसका जो मेन रीजन है वो है यूट्यूब का नया रूल। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब का अभी 3 नए रूल आए हैं जो कि आपको मेल के थ्रू मिल गए होंगे। अगर आपको नहीं मिला है, अगर आप भी वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपके पास भी ये मेल आया होगा, राइट। उसके अंदर जो मेन जो रूल था वो ये था कि अगर आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर नहीं है और 4000 घंटे वॉच आवर्स नहीं है तब तक आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं और इसके ऊपर एड्स नहीं लगा सकते हैं अपनी किसी भी वीडियो पे। बट दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। अब YouTube कह रहा है कि हम सबके ऊपर एड्स दिखाएंगे, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो। अगर आपका चैनल मोनेटाइज के लिए अवेलेबल हो जाता है तो आपके चैनल पे एड्स जो चलेगी उसका पैसा मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो भी आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलेगा बट उसका पैसा YouTube के पास जाएगा। इसी बात से लेके संदीप महेश्वरी जी चिंता में हैं कि उनके अब वीडियोस का क्या होगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी कहा हुआ है, सेमिनार्स में भी कहा हुआ है कि उनका जो भी कंटेंट होगा जो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं वो सबके लिए फ्री होगा। कोई भी इसके लिए किसी भी तरीके का चार्ज नहीं ले सकता और ना ही मैं इसके लिए कभी इस तरीके का चार्ज लूंगा, राइट। ऐसा इन्होंने बहुत पहले कहा है और कई बार कहा है। सो दोस्तों, ऐसा उन्होंने इसलिए करा था क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वीडियोस के ऊपर जो भी एड्स चलती है उससे उनके व्यूअर्स जो हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, राइट। सो दोस्तों, इस रूल के तहत YouTube जो है अब सभी वीडियोस पे एड दिखाना चाहता है। सो दोस्तों, इसी बात के लिए संदीप महेश्वरी जी ने एक ओपन लेटर लिखा था YouTube को बट उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। इस वजह से उन्होंने कल एक वीडियो भी डाली थी और आज एक पोस्ट भी शेयर किया है। सो दोस्तों, वो वीडियो आपको क्या है उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा या फिर आप उनके चैनल पे जाएंगे तो जो अभी लेटेस्ट वीडियो है वो उसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड है, राइट। सो दोस्तों, वो लेटर क्या था जो YouTube को संदीप महेश्वरी जी ने लिखा था? सो दोस्तों, वो लेटर यहाँ पर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप मेरे एड वीडियो पे एड्स ना दिखाएं, उसके लिए चाहे आप मेरे से पैसा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, राइट। सो ये लेटर को पोस्ट करे हुए 5 दिन हो चुके हैं बट YouTube का कोई रिप्लाई नहीं आया है। एंड दोस्तों, इसीलिए संदीप महेश्वरी जी ने एक नया एक्शन लिया है अपनी वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए। सो दोस्तों, वो एक्शन क्या है? सो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये संदीप महेश्वरी जी की वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि अब से जो भी इनका कंटेंट आएगा वो इसी वेबसाइट के ऊपर आने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको यूट्यूब पे वेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी कंटेंट आप जब मर्जी तब देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। यूट्यूब पे जितने भी अभी वीडियोस हैं उन सबके ऊपर एड्स चलने वाली है। सो संदीप महेश्वरी जी ने ये एक्शन आपके लिए लिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्ट हुए उनकी वीडियो देखने से, राइट। सो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरह से फ्री है, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एडवर्टाइजिंग या कोई भी प्रमोशन वगैरह यहाँ पे नहीं है। साफ साफ उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था एंड इस वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, राइट। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों, अभी आप जैसे बहुत सारी न्यूज़ देख ही रहोगे, कई सारे यूट्यूबर अरेस्ट हो रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो बताया था यूट्यूबर ने क्या करा, सो वो यूट्यूबर क्यों अरेस्ट हुए, राइट। सो दोस्तों, आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट एंड सोशल मीडिया का भी इशू चल रहा है मार्केट के अंदर। सो दोस्तों, अब आपके लिए क्या यहाँ पे उचित निकल के आता है? सो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वेबसाइट्स वगैरह बनाना ये कोई इजी बात नहीं होती है। वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारा पैसा लगता है। जैसा कि मैंने इनकी वेबसाइट को एनालाइज किया कि कौन सी होस्टिंग ये यूज कर रहे हैं, डोमेन तो आपको पता है 1000-2000 का आ जाता है, और होस्टिंग कौन सी यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे गया, वेबसाइट लर्नर्स, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आया। मैंने ये जो वेबसाइट है यहाँ पर डोमेन पेस्ट किया और यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ये जो वेबसाइट है ये गोडेडी पे होस्टिंग है। गोडेडी पे जब मैं आया और जब मैंने प्राइस देखा तो इनके प्राइस टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस थे जो कि संदीप महेश्वरी जी इनको पे करेंगे हर मंथ आपको फ्री में कंटेंट दिखाने के लिए। सो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ना, कोई भी आदमी कितना बड़ा हो सकता है कि फ्री में नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। सो दोस्तों, वो जानते हैं नॉलेज कितनी बड़ी चीज़ है। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने नॉलेज को कंटिन्यूसली शेयर करना एंड आप लोग भी चाहते हैं कि जिस भी सोशल मीडिया पे आप अपने वीडियोस को डालते हैं वो सोशल मीडिया कंटिन्यूसली चलता रहे, फ्री हो आपके लिए और आपके यूजर्स के लिए भी, सो दैट आप एंड आप और यूजर्स उसका अच्छे से फायदा उठा पाएं, राइट। सो दोस्तों, यूट्यूब और सोशल मीडिया कभी भी बैन हो सकते हैं एज ए टिकटॉक की तरह, जैसे टिकटॉक अचानक से बंद हो गया, सारा कंटेंट गायब हो गया, राइट। सो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपना खुद का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए, जैसा कि अभी संदीप महेश्वरी जी ने अपनी एक वेबसाइट बनाई, वहाँ पे कोई भी आता है कोई भी कंटेंट देख सकता है किसी भी टाइम पे,
राइट। सो दोस्तों आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट बनाना सीखना है तो आपको मेरे वीडियोस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दो प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फ्री में वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है तो आप ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों प्लेलिस्ट है, ये दोनों वेबसाइट से रिलेटेड है, ये सिर्फ आपके लिए है। आप इनको देखिए और अपनी आप वेबसाइट बनाइए और अपने जो व्यूवर्स हैं उनको अपने वेबसाइट पे भेजिए, सो दैट आपकी वेबसाइट के थ्रू आपके व्यूवर्स जो है आपका कंटेंट देख सकते हैं। उसके बाद चाहे यूट्यूब बैन हो या सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म बैन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके व्यूवर्स जानते हैं कि आपकी वेबसाइट कौन सी है और उनको कंटेंट कहाँ मिलने वाला है। सो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा इसी टाइप की वीडियोस को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।